नाहन शहर में सफाई व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाएगा। इस दिशा में जल्द नगर परिषद ठोस कदम उठाएगी। नाहन में नगर परिषद की विशेष बैठक आयोजित हुई, जिसमें सफाई व्यवस्था पर विशेष मंथन किया गया। नाहन में नगर परिषद की विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शहर से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में खास तौर पर चर्चा की गई कि कैसे शहर को योजना के मुताबिक जल्द से जल्द डस्टबिन मुक्त किया जा सके, ताकि नाहन शहर की स्वच्छता व सुंदरता को बढ़ाया जा सके। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अजमेर सिंह ने बताया कि नगर परिषद के कर्मचारी डोर टू डोर गार्बेज इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि लोग इधर उधर कूड़ा कचरा ना फेंके। उन्होंने कहा कि कुछ वित्तीय समस्याओं और कर्मचारियों की कमी के चलते अभी भी पूर्ण रूप से सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पा रही है, जिस पर बैठक में मौजूद लोगों से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि लोगों से अपील की जा रही है कि लोग गीला व सूखा कूड़ा अलग अलग करके सफाई कर्मचारियों को दें, ताकि आगे इसका सही निपटान नगर परिषद द्वारा किया जा सके। सैनिटेशन्स के ऊपर काफ़ी लंबी चर्चा हुई कि धीरे धीरे हम शहर के जो डस्टबिन हैं, बड़े कंटेनर्स हैं, उनको हटाएंगे। डोर टू डोर जो हम गार्बेज इकट्ठा कर रहे हैं, हम हर घर तक कैसे पहुंचे, थोड़ी सी बीच में कुछ कमियां हैं उनको कैसे इम्प्रूवमेंट कर पाएँ। कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ हमारे पास मैन पावर की भी कमी है। यहाँ सफाई कर्मचारी जो हैं वो इस हमें नहीं मिलते हैं। हम हरियाणा से या कहीं से रिक्वेस्ट किया है कि वहाँ से हमें मिल जाएं, तो हम जो कुछ एक एरिया बीच में छूटे हुए हैं उनको भी कवरअप कर लें। उसमें जो है हमें जो गार्बेज लेना है तो वो सेग्रीगेट करके दें, और हमें भी आगे हमने एक उसके जो हैं खाने बना रखे हैं जीप के और ट्रकों के, और सॉलिड वेस्ट में भी एक मशीनरी हमें गवर्नमेंट की तरफ से आ चुकी है, एक और आने वाली है, इंस्टॉल की जा रही है। अभी तक हम वहाँ पर खाद बना रहे हैं। बैठक में शहर के विभिन्न हिस्सों में नगर परिषद द्वारा चलाए जा रहे विकासात्मक कार्यों पर भी चर्चा की गई। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।